बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जॉब सेंटर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जो मुख्तलिफ़ किस्म की असामियाँ हैं, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर साया मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो तमाम सूबे हैं पाकिस्तान के, उनसे ताल्लुक़ दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यह कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या क्या शरायत हैं, क्या क्या तलीमी कबलियत है, एज लिमिट क्या है, यह सारा कुछ आगे चलकर आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कोशिश करें वीडियो को स्किप ना करें, इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएँ, ताकि इस तरह का जो भी जॉब की न्यूज़ और आप वीडियो देखते हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको फौरी तौर पर मिलती रहे। तो दोस्तों, यही बात मैं बार बार कहता रहता हूँ आप लोगों से, हमारे दोस्त ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, कमेंट के लिए वेलकम आप लोग हमें करें। लेकिन जब आप लोग अपनी राय देते हैं ऐसी वीडियो पर जो साल हो गया है मैंने अपलोड की थी, और उस पर ये कहना कि जनाब ये सब झूठी है, अभी मैंने चेक किया है फलां फलां, तो मेरे भाई आप देखा करें, आप सोचा करें ये वीडियो कब की है। यानी उसको अगर आप लोग हल करना चाहते हैं इस मसले को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इसमें अस्टेनो जो टाइपिस्ट की 6 असामियाँ हैं, 14वां ग्रेड है। पंजाब में ये असामियाँ हैं, सिंध में असामियाँ हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, और इसकी जो जय तैनाती होगी शुरुआत में इस्लामाबाद में की जाएगी। 18 से 25 साल लिमिट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन शामिल कर दी जाए तो 18 से 30 साल। FA मांगी गई है तलीम, शार्ट हैंड टाइपिंग स्पीड 80/40 अल्फाज पर मिनट के लिहाज से ये मांगा गया है। ड्राइवर की असामियाँ हैं 4, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सिंध में, पंजाब में 2 है, इस्लामाबाद में तैनाती है। 18 से 30 साल एज लिमिट। प्राइमरी पास तलीम मांगी गई है, और साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। डिस्पैच राइडर की जो असामियाँ हैं, जिसमें पंजाब और सिंध में, इनके लिए प्राइमरी तलीम मांगी गई है, और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है, और इसके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है डिस्पैच राइटर के लिए। नायब कासिद के लिए जो असामियाँ हैं, 18 से 25 साल 30 साल इसकी लिमिट है, प्राइमरी पास इसकी तलीम मांगी गई है। उसके अलावा फराश, चौकीदार, स्वीपर, इन तमाम के लिए जो ये समय मैंने बताई हैं, ये लोकल इस्लामाबाद के मकामी लोगों को तरजीह दी जाएगी। 18 से 35 साल इनके लिए लिमिट रखी गई है, 18 से 30 साल माफ़ कीजिएगा, और इन तमाम के लिए प्राइमरी तलीम है। तो अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है, देखें दोस्तों। इसके अप्लाई करने के जो आखिरी डेट है, लास्ट डेट है, वो 19 जनवरी 2020 है। आप लोग ओपन टेस्ट सर्विस की वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में मैंने भी दी हुई है, वहाँ से जाकर फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ जो डिपॉजिट स्लिप चलान फार्म है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलान फार्म को मुतलका बैंक में जमा कराएंगे, बाकी फार्म को मुकम्मल तौर पर फिलअप करके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगा के आपने 19 जनवरी 2020 तक ओपन टेस्टिंग सर्विस फेज़ नंबर 01 क्रिसेंट मॉल कमर्शियल सेंट्रल एवेन्यू फेज़ 6 बहरिया टाउन इस्लामाबाद, इस पते पर आपने इरसाल कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपको ये तमाम असामियों के बारे में बताया है, जिसमें स्वीपर, चौकीदार, फराश, नायब कासिद, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर और स्टेनो टाइपिस्ट, इनकी जो भी असामियाँ हैं मैंने इनका स्केल भी सब बता दिया है। स्टेनो टाइपिस्ट का 14वां है, ड्राइवर का 4था है, डिस्पैच राइडर का भी 4था है, नायब कासिद, फराश, चौकीदार, स्वीपर का पहला पहला ग्रेड है, और इनकी जाए तैनाती कहाँ होगी, तनख्वाह कितना हो, माफ़ कीजिएगा, एज लिमिट क्या है, तलीम क्या है, ये सब कुछ आप लोग इस वीडियो में जान चुके हैं। तो बहरहाल, अगर कुछ और समझ नहीं है तो हमें कमेंट करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद अबूज़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।